भैया भैया, आप कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? उठिए भैया, उठिए। भैया शांत हो जाइए, जो भी हुआ उसे अपनी भूल समझकर भूल जाइए। ऐसा मैंने क्या किया जिसे मैं भूल मान लूं? मैंने कोई भूल नहीं की है। देवों के अधिपति महाबली इंद्र का पुत्र मैं बाली, तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा और महानतम शासक बनना चाहता, किंतु वो मायावी मरकट मेरे जीवन के इस एकमात्र लक्ष्य को मिटाने में लगा हुआ है। यदि मैंने वृक्षासुर से मिलकर उसे मिटाने का प्रयास किया तो क्या यह मेरी भूल थी? वृक्षासुर के सामने जाने का अर्थ था स्वयं मृत्यु के मुख में जाना। ये जानकर भी मैं हम दोनों भाइयों और किष्किंधा की भलाई के लिए उसके सामने गया तो क्या ये मेरी भूल थी? सुग्रीव, हम दोनों भाइयों के बीच यदि कोई दीवार खड़ी कर दे या खाई खोदने लगे तो उसका परिणाम संपूर्ण किष्किंधा को भुगतना होगा। यदि यही सोचकर मैंने उस दीवार को गिराने की या उस खाई को पाटने की कोई अचूक योजना बनाई तो क्या यह मेरी भूल थी? बता मेरे भाई, क्या यह मेरी भूल थी? बता मेरे भाई, क्या थी मेरी भूल? बता क्या थी मेरी भूल? भूल तो थी आपकी भैया, आपकी महानता तुच्छ हो जाती है जब आप नारद जी के कह देने मात्र से एक निर्दोष बालक के प्राण हरने के लिए षड्यंत्र रचने लगे थे। वाली भैया, महानतम तो वो होता है जो अपने पुरुषार्थ से ही अपने भाग्य को बदल दे, पर आप तो अकारण ही उस अबोध बालक मारुति को अकारण! मैं भी किस मूर्ख से बात कर रहा हूं? इतने कारण बता दिए तुझे, फिर भी तू कह रहा है कि अकारण? यदि चट्टानों को भी इतना समझाया होता तो ये भी मेरी व्यथा सुनकर पिघल जाती, किंतु तू रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। अहंकार की रस्सी बड़ी कठोर होती है प्रिय, यदि समय रहते इसके बल ना गए तो एक दिन यही ग्रीवा को कसने लगती है और परिणाम अहंकारी को उसके अंत तक ले जाता है। पहले अंजना प्रभावित हुई प्राणवल्लभ, दूसरा बाली, और फिर वो तीसरा कौन था जिस पर वृक्षासुर की मृत्यु का प्रभाव पड़ा? वो तीसरा प्राणी इस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं था, किंतु इस घटना से वो बहुत अधिक प्रभावित होने वाला था। वो था
रावण। अहंकार, बल, घमंड और क्रोध के आश्रित रहने वाले पुरुष महाज्ञानी होकर भी सन्मार्ग को नहीं अपनाते, अपितु बुराई और दुराचार के पथ पर चल देते हैं। ऐसे मनुष्य यदि भक्ति भी करते हैं तो शक्ति पाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। महाज्ञानी रावण भी ऐसा ही भक्त था, जिसकी छत्र छाया में असुर पनप रहे थे, अधर्म और पाप का परचम लहरा रहा था, आतंक का पर्याय, अत्याचार और व्याभिचार का मूर्त रूप।